हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आने का। मैं आपका दोस्त संजय पासी। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ नोक्टा सिंप्लेक्स प्लस मेटल डिटेक्टर, जो कि आप लोगों को पता है दोस्तों, ये है मेड इन कल्की का मशीन है और नोक्टा माइक्रो ब्रांड का है। दोस्तों, ये जो है फर्स्ट टाइम आया हुआ है चीपेस्ट प्राइस में वाटर प्रूफ मेटल डिटेक्टर। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो है मुझे एक वाटर प्रूफ मशीन चाहिए और सस्ते प्राइस में चाहिए दोस्तों, तो नोक्टा सिंप्लेक्स प्लस इज द बेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड। ओके दोस्तों, अगर आपको जो है ओनली 5 फीट तक सर्च करना हो तो दोस्तों ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये मशीन वर्क करता है और इसमें काफी अपग्रेड वर्जन में ये मशीन है। जैसे कि इसमें फंक्शन है आयरन वैल्यूम का, फंक्शन है नोच डिस्क्रिप्शन का भी फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का भी ऑप्शन है, वाइब्रेशन का भी है, बैक लाइट की पैड, LCD एंड LED फ्लैश लाइट, ठीक है दोस्तों। और इसमें DD सर्च कॉइल जो कि 11 इंची की होती है, 11 इंची की, ये आपके सामने ये मशीन दिख रहा है, ठीक है। और इसमें सॉफ्टवेयर भी अपडेट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको नोक्टा सिंप्लेक्स प्लस यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है असेंबल कर रखा हूँ पहले से ऑलरेडी। ये छोटा मशीन है, आप देख सकते हैं, आप अपने लंबाई के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने छोटा कर दिया। और ये देखिए दोस्तों, ये इतना छोटा हो जाएगा, आप कैरी कर सकते हैं एक छोटे से बैग में भी। और इसका लाइट वेट है 1.5 केजी का एक मशीन है इसका जो वेट है, और जितना चाहे आप उतना बड़ा कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को क्यूब गाइड के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें जो है इसके जो जो सेटिंग्स हैं, सबसे पहले जब आप मशीन को परचेज करते हैं दोस्तों, तो यूजर मैनुअल वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आज मैं उसी के हिसाब से जो है आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सिंप्लेक्स प्लस यूज करना है, बिल्कुल इजी टू यूज है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको जो है ये देखिए सिंप्लेक्स प्लस क्यूब गाइड, ठीक है, सेंसिटिविटी इंडिकेटर, ये जो आप बॉक्स में देख रहे हैं दोस्तों, ये सेंसिटिविटी इंडिकेटर है, ठीक है। ये यहां देखिए आप, यहां आ रहा है। और ये टारगेट आईडी है, ये जो नंबर आता है 54 जो दिख रहा है यहां पर, मतलब कि हर एक मेटल का अपना एक आईडी होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जो भी मेटल्स होते हैं दोस्तों, उसका जो है यहां पर नंबर आता है, वो शो कर देता है, ठीक है। लेफ्ट साइड नेविगेशन इन टच डिस्क्रिमिनेशन एंड मोड सिलेक्शन चेंज द वैल्यू ऑफ एनी सेटिंग, यहां से आप माइनस प्लस करके जो है आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, पिन पॉइंट कंफर्म बटन का भी ऑप्शन है, ये पिन पॉइंट का बटन होता है, जैसे छोटे छोटे जो टारगेट्स होते हैं उसको जो है आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट से जो है आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसे दबाने से जो होता है, अब ग्राउंड बैलेंस सेट करते हैं। अब ग्राउंड बैलेंस क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि क्या होता है, कहीं कहीं पर हाई मिनरल्स एरिया होता है और कहीं कहीं पर जो है लो मिनरल्स एरिया होता है, ठीक है दोस्तों। तो छोटे छोटे जो मेटल्स के कण होते हैं मिट्टी में, उसे जो है हम ग्राउंड बैलेंस से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे मेटलों को जो है वो इग्नोर कर देता है। अब उसके बाद दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 3 सेकंड बाद जो है ये मशीन ऑन भी हो जाएगा और ऑफ भी हो जाएगा। टारगेट आईडी स्केल है, ये देखिए यहाँ से 10 से लेकर के 90 तक है, मतलब 0 से लेकर के हाँ यहाँ 99 तक जो है था ये टारगेट से शो करते रहते हैं, यहाँ पर कर्सर जो है चलता रहता है, ठीक है। आईडी नोच ग्रुप्स ऑफ 5 IDs, ठीक है। मोड्स है, इसका जो मोड होता है दोस्तों, ये मोड है दिख रहा है, ठीक है। ऑल मेटल मोड है, फर्स्ट का ऑल मेटल मोड, दूसरा है फील्ड का, ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है ये है पार्क का, और चौथा ऑप्शन बीच है, ठीक है। डेप्थ इंडिकेटर,
ये जो बॉक्स बना हुआ है दोस्तों, ये है डेप्थ इंडिकेटर का है, बैटरी इंडिकेटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है दोस्तों, ये है बैटरी का, मतलब कितना परसेंटेज आपका जो बैटरी है वो चार्ज है, ठीक है। ये राइट साइड नेविगेशन है इन टच, ये माइनस प्लस जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ये है सेटिंग बटन, ठीक है, ईच टाइम यू प्रेस इट द नेक्स्ट सेटिंग ऑन द बार विल बी सिलेक्टेड एंड इट्स वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब दोस्तों अब मैं फंक्शन के बारे में बताता हूँ, जो आपने देखा यहाँ पर, ये देखिए ये फंक्शन होते हैं। अब ये फंक्शन क्या है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, सेटिंग से देखिए, ये जो लोगो बना हुआ है आप देख रहे हैं निशान, ये वॉल्यूम का होता है, इसमें जो है चार लेबल्स होते हैं, चेंज यूजिंग, प्लस एंड माइनस का, ठीक है। ये ग्राउंड बैलेंस का होता है सेटिंग, पंप द क्वाइल एंड पंप द क्वाइल अप एंड डाउन व्हाइल प्रेसिंग द पिन पॉइंट कंफर्म बटन टू ग्राउंड बैलेंस ऑटोमेटिकली, ठीक है दोस्तों। इसमें ये जो बटन है यहाँ पर, ये वाला बटन, ठीक है, इसे दबा करके आपको जो है पंप करना पड़ेगा क्वाइल को, तो ऑटोमेटिक जो है वो ग्राउंड बैलेंस सेट हो जाता है। अब ये देखिए ये फंक्शन है आयरन का है, ठीक है, आयरन वॉल्यूम का है, एडजस्ट और टर्न्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लो आयरन ट्यून, थ्री लेवल होते हैं दोस्तों, इसमें भी चेंज करने का ऑप्शन है, यूजिंग एंड प्लस एंड माइनस का करके जो है आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये नॉच डिस्क्रिमिनेशन का फंक्शन है दोस्तों, इसमें क्या करता है, एलिमिनेट अनवांटेड मेटल्स फ्रॉम डिटेक्शन सच एज ट्रेस, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ फाइव आईडीज, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बॉक्सेस कैन बी रिजेक्ट और एक्सेप्टेड। जो जो मेटल्स जो आपके काम के लायक नहीं है दोस्तों, आप इसमें जो है आप अपने हिसाब से हटा सकते हैं, ठीक है। ये नॉच डिस्क्रिमिनेशन का भी फंक्शन है, अनवांटेड मेटल्स इसमें लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक है, ठीक है दोस्तों, मतलब कि काफी अपग्रेड वर्जन में ये मशीन है। अब मैं इस वाले जो है फंक्शन के बारे में, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने का ऑप्शन है, थ्री लेवल्स होते हैं, आप माइनस प्लस करके आप जो है हटा सकते हैं। वायरलेस ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, जो वायरलेस हेडफोन होता है आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों वाइब्रेशन का फंक्शन होता है, जैसे कि अगर आप अंडर वाटर अगर मशीन को लेकर सर्च कर रहे हैं तो पानी के अंदर दोस्तों आवाज बहुत कम आता है, तो जो है आप वाइब्रेशन ऑन कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा अगर कहीं पर मेटल मिलेगा तो वाइब्रेट भी करेगा और ट्यूनिंग भी आता है, ठीक है दोस्तों। ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, कम ज्यादा करने के लिए होता है। एलईडी फ्लैश लाइट, जैसे कि ये जो है अगर रात में कहीं आप मशीन को ले जाकर के यूज कर रहे हैं तो टॉर्च की जरूरत पड़ती है, तो आप जो है इसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था दोस्तों क्यूब गाइड का। अब मैं आपको जो है मशीन पे आपको दिखा देता हूँ ये सारा फंक्शन, ठीक है, आप आसानी से देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको क्यूब गाइड में आपको दिखाया इसके डिस्प्ले का सारा फंक्शन, ठीक है दोस्तों। अब मैं जो है आपको मशीन पे दिखाता हूँ, ये ऑन ऑफ का बटन होता है, ठीक है, ये देखिए ये कीपैड लाइट होता है, आप जो है रात में आपको यूज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और ये डिस्प्ले लाइट है, और यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो ये देखिए एलईडी लाइट है, ठीक है। अब मैं दोस्तों जो है आपको हर एक फंक्शन के बारे में बताता हूँ, माइनस प्लस करके, ये देखिए माइनस और प्लस है, तो यहाँ पर मोड चेंज हो रहा है, ठीक है, ये देखिए मोड चेंज हो रहा है, ये होता है ऑल मेटल मोड, ठीक है, फील्ड, पार्क और बीच, ठीक है। तो जो है दोस्तों अगर जो है आप ऑल मेटल पे यूज करते हैं तो क्या टारगेट आईडी होगा, जैसे कि हमारे पास ये बाट है 100 ग्राम का, ठीक है, लोहा है, देखिए दोस्तों ये जो आयरन होता है, मैं फ्रेश आयरन भी लगा करके दिखा देता हूँ, जैसे ये कैंची है, ठीक है, 04 लोहे का जो भी सिग्नल होगा दोस्तों इसका देखें, यहाँ पर ये एरो चलता रहता है, मतलब 30 से नीचे ही रहेगा। अब इसी जगह अगर मैं, ये पीतल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 70 से ऊपर जा रहा है, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखिए
ये देखिए दोस्तों, ये है तांबा, ये 91 जा रहे हैं, ठीक है। ये तो था दोस्तों ऑल मेटल पे है। अगर मैं इसी को जो है फील्ड में अगर यूज करता हूँ, ठीक है, फील्ड में आप देख रहे हैं आयरन का अलग ट्यून आ रहा है और नॉन फेरस का अलग ट्यून आ रहा है। आईडी है ये, यहाँ पर जो टारगेट आईडी है दोस्तों वो नंबर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं हर एक मेटल का अपना एक नंबर होता है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है। अब हम जो है अगर पार्क में यूज कर रहे हैं, ठीक है, देखिए मशीन ज्यादा आवाज करने लगी, ठीक है, लेकिन सिग्नल देखिए कितना साफ आ रहा है, ठीक है, आयरन का। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये डेप्थ होता है, डेप्थ बता रहा है, ठीक है। अभी जो है मैं फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी मैं कम कर दिया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ा देता हूँ तो दोस्तों क्या होता है कि मशीन ज्यादा आवाज करती है। हम कमरे के अंदर मशीन को यूज कर रहे हैं, तो अगर अब आप कमरे के अंदर मशीन को यूज करते हैं दोस्तों, तो जो है क्योंकि इलेक्ट्रिक वायरें वगैरह होता है, ठीक है, आसपास बहुत सारा मेटल्स होता है, तो उससे जो है मशीनें ज्यादा आवाज करती हैं घरों के अंदर या जहां पर बिजली के वायर वगैरह होते हैं, ठीक है। ये तो था दोस्तों मोड के बारे में, मैंने आपको फंक्शन बताया। ये बीच है, नदी के किनारे अगर आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो बीच में ये जो बीच का फंक्शन है, ये बीच मोड पे आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो था दोस्तों मोड के बारे में मैंने बताया, ठीक है। अब आप देखिए, ये जब आप मशीन को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ग्राउंड बैलेंस सेट करना होता है, ठीक है, ये वाला ग्राउंड बैलेंस। इसे आपको क्या करना है, दबा करके रखना है, ठीक है, और क्वाइल को क्या करना है, पंप करना है ऐसे आपको। जैसे सपोज दैट ये हमारा सरफेस है, हमें क्वाइल को जो है कम से कम है तो 1 फीट ऊपर लीजिए और पंप करिए पिन पॉइंट बटन दबा करके, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस सेट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जैसे सपोज दैट अगर कहीं पर छोटे छोटे जो मेटल्स के टारगेट होते हैं, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा मेटल है, उससे जैसे छोटा होता है, जैसे साइकिल का जो छर्रा होता है आपने देखा होगा दोस्तों, तो अगर वो मिट्टी के अंदर है तो छोटे छोटे होते हैं, तो अगर नहीं मिलता है तो पिन पॉइंट दबा करके रखेंगे तो हमें क्या होगा, उसी पे जो है मशीन आवाज करेगी। देखिए छोड़ दिया मैंने, ठीक, आवाज नहीं कर रही है, लेकिन अब मैं इसे दबा करके रखूंगा तो मशीन आवाज करेगी। जब तक मैं मेटल से हटाऊंगा नहीं कॉइल को, तब तक जो है आवाज करेगी, ठीक है। ये तो था पिन पॉइंट का ऑप्शन। अब उसके बाद दोस्तों सेटिंग है, सेटिंग में देखिए जो फंक्शन मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है, चेंज करने के लिए वैल्यूम है, ठीक है, आप जो है माइनस प्लस कर सकते हैं। देखिए देखिए कम हो रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये होता है ग्राउंड बैलेंस का, ऑटोमेटिक 90 पे है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप ऑल मेटल पे हैं तो कौन से मेटल पे, मतलब कि कौन से फंक्शन पे रहता है, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने का ऑप्शन है। ये देखिए मैं इसे एक बार जो है बैक होता हूँ, फ्रीक्वेंसी ये होता है, अरे यार ये देखिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने का ऑप्शन है, एक पे कर दिया, F1, F2, F3, थ्री मोड है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने का, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं वायरलेस हेडफोन है, आपको जो है वाईफाई जाना होगा, वायरलेस हेडफोन के इसमें ऑप्शन है, देखिए ये ठीक है, ऑन कर देंगे दोस्तों तो कनेक्ट हो जाएगा वायरलेस हेडफोन अगर आपके पास रहेगा तो। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद वाइब्रेशन है, अब मैं क्या करता हूँ, ऑन कर दिया वाइब्रेशन को। अब जैसे कोई मेटल लगाता हूँ, देखिए मशीन वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा अंडर वाटर की मेटल है, वाइब्रेट करेगी पूरी मशीन। अब ये ब्राइटनेस है, ठीक है, अब देखिए ये देखिए ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से माइनस प्लस कर सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन होता है आप देखिए टॉर्च की होती है, ठीक है, अगर मैं इसे जो है प्लस कर दिया, देखिए दोस्तों ये टॉर्च जलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये देखिए लाइट जल रही है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट रहता है।
जब आप नाइट में मशीन को यूज करते हैं रात में तो ठीक है दोस्तों। ये तो था जैसे कि अभी मैंने आपको ऑल मेटल फंक्शन था ये है, अब इसमें देखिए सारा फंक्शन जो है चलेगा हर एक मेटल का ठीक है, हर एक मोड का जो है इसमें दिया गया है दोस्तों। अब जैसे कि अगर मुझे बंद करना है तो क्या करना होगा, टॉर्च को जो है मैं माइनस कर दूंगा, टॉर्च जो है बंद हो गया ठीक है। अब सीधा जो है ऑटोमेटिक उस पर आ गया। बैटरी देखिए ये चार्ज हो रहा है, लोहे को अलग वैसे भी मशीन बताता है। अब मैं जैसे कि ये फील्ड में यूज कर रहा हूँ ठीक है, ये लोहा है ठीक है, अगर मैं इसे जो है दबा करके रखता हूँ ऑल मेटल को देखिए ठीक है, सेम आवाज है हर मशीन का, लेकिन अगर फील्ड पे आप यूज करते हैं तुरंत जो है साउंड चेंज हो जाता है ठीक है। आयरन का जो साउंड रहेगा उसका अलग रहेगा। यह है पार्क का, आयरन का बिल्कुल जो है साउंड चेंज हो जाता है, लेकिन नॉन फेरस का ट्यून आप ट्यूनिंग के हिसाब से पता कर सकते हैं, और प्लस जो है ये हमारा जो यह कर्सर यहाँ चलता रहता है उससे भी, और ये आईडी से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई खास फंक्शन नहीं है, बिल्कुल इजी टू यूज मशीन होता है, और यहाँ से जो है आप इसे बंद कर सकते हैं, मशीन ऑफ हो गया। हाँ तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारी दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी जो है क्लिक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जो है हम हमेशा नए नए वीडियोज अपलोड करते रहते हैं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों अगर आप जो है मेटल डिटेक्टर मशीन खरीदना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको मशीन लेना हो दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के आता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।